मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मेरे सभी दर्शकों को, मेरे पूरे भोजपुरिया भगवान स्वरूप जनता को, सभी को हाथ जोड़ के बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और हाँ, मैंने इस बारे में वीडियो भी बनाया, मैंने वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। बहुत गुस्सा हूँ, बहुत गुस्सा इस बात से हूँ कि आज भी, जो मैंने वीडियो में भी बोला है कि 2019 जैसी सदी में, आज हम लोग जिस युग में हैं, जिस ज़माने में हैं, जिस जनरेशन में हैं, जिस टेक्नोलॉजी दुनिया जितनी तेज़ भाग रही है, हम इस टेक्नोलॉजिकल दुनिया में भी होने के बावजूद अगर हम ऐसी चीज़ों से अगर हम नहीं निपट पा रहे हैं, हमारा बिहार सरकार नहीं निपट पा रहा है, तो लानत है हमारे बिहार सरकार पर। और उसके बावजूद अगर वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये तो प्राकृतिक आपदा है, ये तो नेचर है, ये तो हथिया नक्षत्र है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो प्रकृति का बहाव है, तो ये कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ। ये सोचने वाली बात है कि आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं, आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उससे तुरंत, आप उसे झटके में, आप उसे उभर पाए। हमारे मुंबई में भी पानी भरता है, लेकिन आप जिस दिन पानी भरता है उसके अगले दिन देखेंगे तो पूरा मुंबई साफ मिलता है आपको, बल्कि अगले दिन कुछ ही घंटों में आपको पूरी मुंबई साफ मिलती है। तो ये बिहार सरकार को बहुत ध्यान देना होगा। वो सिर्फ अपनी वाहवाही या चीज़ें कराने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। और जो बात हम और मैं चैनलों के माध्यम से, हमारे मीडियाकर्मी भाइयों के माध्यम से आप सब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, मैंने वीडियो में भी बोला है कि आप लोगों से विनती है, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आगे बढ़िए, और आप लोग आगे बढ़कर जितना भी आप सबसे हो सके वो सब ज़रूर करिए। मेरी तरफ से जो भी हो सक रहा है मैं वो ज़रूर कर रहा हूँ। मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जाने से माहौल ख़राब हो जाता है, माहौल बिगड़ जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। तो इससे अच्छा है कि हम यहीं रहकर, हम वहाँ पर, मैं अपने लोगों से करवा रहा हूँ जो भी मुझसे हो सकता है। और मैं आप सबसे भी विनती करता हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़ें, और आगे बढ़कर कृपया करके अब इस बात को किसी और अन्यथा ना लें, किसी और प्रकार से ना लें। कह रहे चिंटू तो पब्लिसिटी तरीके जैसे बाकी लोग बोलते हैं, ये बिल्कुल वैसा नहीं, ये बहुत सीरियस बात है। इस बारे में सोचिए, समझिए, ये सीरियस हमें सोचना पड़ेगा इस बारे में, हमारे सरकार के बारे में, उन्हें भी जागरूकता दिलानी पड़ेगी। और जितने भी लोग, आप लोग बाहर निकल के अगर सच में मदद करना चाहते हैं वो निकलिए, और मदद करने से पहले कृपया कम से कम इस बात में तो जाति और धर्म को मत लाइएगा, क्योंकि हमारा भोजपुरी आज, ये ऐसा पहले नहीं था, लेकिन आज लोग जातिवाद जो कुछ लोग शुरू कर दिए हैं, मैं आप सबसे गुहार करता हूँ, विनती करता हूँ कि कम से कम इंसानियत का राह चुनिए, इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए आप आगे बढ़िए, मदद करिए जितना भी आपसे यथाशक्ति हो पाए। हम सबसे जितना भी हो पा रहा हम कर रहे हैं, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा सरकार को, हमारे बिहार सरकार के पास पावर है, पैसा है, और वो सारे पैसे हम जनता के हैं, हम बिहार के लोगों का, मेरे परिवार का है वो, तो वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए यूज़फुल होना चाहिए, हमारे परिवार के काम आना चाहिए। ये उन सबसे मेरा निवेदन है, मेरी गुहार है, और जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि कम से कम इस बार अपने दिल पर हाथ रखिए, मेरी बात को और फैलाइए, लोगों में जागरूकता दीजिए, और बिहार को हम सबको मिलकर डेवलप करना है। आज भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य हमारा बिहार है, और सबसे ज़्यादा कहने को IAS और IPS वहीं से निकलते हैं, लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा पिछड़ा वहीं है। हर आला अधिकारी हमारे बिहार से निकला हुआ है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े IITs हैं, बड़े बड़े ITs हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन जब ऐसी बातें आती हैं तो कोई काम में नहीं आता है, किसी का कोई क्वालिफिकेशन काम में नहीं आता है। तो कृपया करके आप सभी लोग आगे बढ़ें, और मेरे पटना और उसके साथ साथ बिहार के 15 से अधिक जिले इस प्राकृतिक पीड़ा से ग्रसित हैं, तो सभी लोग जाकर कृपया आगे बढ़कर मदद करें। और जाते जाते धन्यवाद बोलना चाहूँगा, दिल से आप सबको प्यार करता हूँ, दिल से आप सबको चाहता हूँ, बचपन से आप सबके घर परिवार में रहा हूँ। अपना ये प्यार या आशीर्वाद बनाए रखें, और अपने चिंटू को जो भी प्यार देते रहें, जो भी फिल्में आए फिल्में देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। प्लैनेट भोजपुरी।